नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया में और मैं हूं आपके साथ अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप। यानी इस प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसी गपशप होती है, कैसे गॉसिप्स होती है। लेकिन सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे पवन सिंह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के एक ही सबसे ये कहें कि मशहूर हैं या कहें कि लोगों के दिलों में समाये हुए हैं, बसे हुए हैं, वो है पवन सिंह। और पवन सिंह के रिश्ते इस समय अक्षरा सिंह के नज़दीकियाँ बना चुके हैं। यानी पवन सिंह और अक्षरा के रिश्ते मजबूत होते नजर आ रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि पवन सिंह के रिश्ते कई बार बन चुके हैं और बिगड़ चुके हैं, लेकिन अब अक्षरा के साथ नया रिश्ता जुड़ता है। इसके लिए अक्षरा का क्या कहना है, इस विषय पे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं, जो ये है कि अक्षरा सिंह ने एक खुलासा किया है। वो किया है कि पवन सिंह की शादी एक महीने के अंदर होने वाली है। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि पवन सिंह की शादी किसके साथ होगी, क्या उसके साथ अक्षरा आएंगी या तो कोई और आएगा, जिस प्रकार से अक्षरा ने खुलासा किया, देखिए हमारी रिपोर्ट में। भोजपुरी के सुपरस्टार और लोगों के सर के ताज पवन सिंह के फिल्मों का हर कोई दीवाना है और पवन सिंह के फैन अपने ही पवन के फिल्मों से ज्यादा उनके फिल्म को की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं। जी हाँ, हमारा मतलब है पवन सिंह के फैंस को ये देखना ज्यादा पसंद आता है कि पवन किसके और कौन से हीरोइन के साथ फिल्में करने वाले हैं। और काफी समय से अक्षरा सिंह ही पवन के साथ नजर आती हैं। पवन और अक्षरा के नजदीकियों के किस्से तो जग जाहिर है, इसलिए कई दफा दर्शकों के द्वारा ये सुनने में भी आता है कि दोनों शादी कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। यहाँ तक कि कई बार पवन अक्षरा एक साथ लाइव भी आए हैं तो दर्शकों ने लाइव के दौरान ही उनसे ये प्रश्न पूछ डाला कि आप दोनों शादी कब करने वाले हैं, जिसके जवाब में अक्सर पवन और अक्षरा चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन पहली बार दर्शकों को इसका जवाब मिल गया और जवाब पवन की तरफ से नहीं बल्कि अक्षरा के तरफ से सुनने को मिला। जब लाइव आने के दौरान अंत में अक्षरा ने ये कहा कि पवन जी एक महीने में शादी करने वाले हैं, लेकिन किस से ये बात अभी भी गोपनीय बनी हुई है। अक्षरा ने सभी को ये तो बता दिया कि पवन की एक महीने में शादी होगी, लेकिन किस से होगी इसका जिक्र अभी नहीं किया। तो यहाँ एक महीने के अंदर ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अक्षरा का कहना सत्य होता है या नहीं, और यदि सच होता है तो शादी पवन के किससे हो रही है, ये बात तो आने वाले समय में सभी को पता चल ही जाएगी। दोस्तों, ये तो बात हो गई पवन भैया यानी भोजपुरी के सुपरस्टार पवन जी की बात। लेकिन अब हम बात करेंगे खेसारी लाल, क्योंकि भोजपुरी में जब पवन सिंह का नाम आता है तो उसके बाद खेसारी लाल का नाम तो जरूर आता है। आज हम आपको बताएंगे कि जिस प्रकार से पवन सिंह का गाना और अम्रपाली का गाना बॉलीवुड इंडस्ट्री में धूम मचा के रखा है, उसी प्रकार से खेसारी लाल का गाना काजल राघवानी के साथ आया है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है या ये कहें कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आखिर उस गाने में ऐसा क्या खास है जिस प्रकार से अम्रपाली और पवन सिंह के गाने को टक्कर दे रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। भोजपुरी के दो सुपरहिट हीरो आजकल खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। पहले हैं पवन सिंह और दूसरे हैं खेसारी लाल यादव। और क्यों हैं चर्चाओं में ये बताने की जरूरत शायद अभी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही जहां आजकल एक दूसरे की फिल्मों से टक्कर ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोनों के गानों में भी आपस में खूब टकराव है। जी हाँ, आप लोग तो जानते ही हैं कि इन दिनों पवन सिंह और आम्रपाली का एक गाना राती दिया बता के भोजपुरी के इतिहास में पहला रिकॉर्ड दर्ज करा चुका है। लेकिन दूसरे नंबर पर आ गया है अब खेसारी और काजल के मुकद्दर फिल्म का गाना। जी हाँ, सज के सबर के। इस गाने को मात्र एक महीना हुआ है और इस गाने ने 2 करोड़ व्यूज पार कर लिए हैं, जो भोजपुरी गानों के लिए बहुत बड़ी बात है। हालांकि खेसारी अभी भी पवन के गाने से बहुत पीछे हैं, लेकिन पवन के गाने को रिलीज हुए भी तो काफी समय बीत चुका है और खेसारी के गाने ने सिर्फ एक महीने में 2 करोड़ व्यूज पार किए हैं, तो उम्मीद है आगे इस गाने को और भी ज्यादा अच्छे व्यूज मिलने वाले हैं। तो दर्शकों, ये तो बात हो गई खेसारी लाल और काजल राघवानी के गाने की बात। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि खेसारी लाल एक एक्ट्रेस को लॉन्च करने वाले हैं, यानी एक बॉलीवुड या कहें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक और हीरोइन आने वाली है, उसका नाम क्या होगा वो तो खेसारी लाल ही बताएंगे। लेकिन कहने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से काजल राघवानी को खेसारी लाल ने लॉन्च किया था और उनकी जोड़ी लोगों के द्वारा बहुत पसंद की जा रही है, हो सकता है कि आप भी पसंद करते हो। तो अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से खेसारी लाल कुछ ही दिनों में एक और एक्ट्रेस को लॉन्च करने वाले हैं, तो उस हीरोइन का नाम क्या होगा, वो हीरोइन कौन होगी, और ये देखने वाली बात होगी क्या खेसारी लाल के साथ वो हीरोइन उसी प्रकार से फेमस होगी जिस प्रकार से काजल राघवानी की जोड़ी लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, देखिए हमारी रिपोर्ट में।
अगर आप खेसारी के गाने और एक्टिंग के बहुत बड़े फैन हैं तो ले आए हैं हम आपके लिए खुशखबरी, और वो खुशखबरी ये है कि खेसारी के दीवानापन फिल्म का म्यूजिक और ट्रेलर लॉन्च हो गया है, वो भी आज। साथ में एक और खुशखबरी ये भी है कि इस आयोजन पर ही खेसारी ने एक नई एक्ट्रेस से भी सभी को परिचित करवाया। क्या कहते हैं खेसारी इस एक्ट्रेस को लेकर, आइए आपको भी सुनाते हैं। की भोजपुरी में काम कर रही हैं आज, इनके पापा वहाँ के हैं, इनकी मम्मी बंगाल की है, ये ना हमारा काम का मनिया के लोग पलाटी मारे ला अच्छा है, अच्छी है ये, इनके मम्मी बंगाल से है, इनके पापा बिहार से है ना, हमारे गांव के हम हैं, हाँ पड़ोसी हम लोग तो इन्होंने काम किया है और बड़ा खूबसूरत इन्होंने काम किया है और सबने अच्छा काम किया है, मेरे से जितना हो सका मैंने किया है। एक प्रोड्यूसर का दर्द जो होता है मैं समझ सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर रातों दिन जग के एक फिल्म बनाता है और उसका रिजल्ट हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एक और आए हैं वो तो बता ही देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर लोग बड़ा प्यार देते हैं रिलीज होने के बाद, हाँ तो हम फिल्म इतने शौक से बनाते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी शौक से रिलीज करते हैं, सिर्फ इन लोगों का शौक पूरा होता है बाकी प्रोड्यूसर का हो जाए ना, समस्या है। हाँ उनका उनके फुफा जी का देहांत हो गया है, उसके वजह से वो काफ़ी दो दिन से डिस्टर्ब भी थी, तो वो सुबह की फ्लाइट से चली गई और मेरा कुछ काम था तो मैं शाम की फ्लाइट से, मैं 2 बजे की फ्लाइट से आया, वो 11 बजे की फ्लाइट से वो पूना चली गई, तो शायद हम लोग दोनों पटना में ही थे क्योंकि वहाँ पर मेरा शो था लगातार, मेरा और काजल का लगातार 3-4-5 शो था वहाँ पर, तो इसकी वजह से हम गए थे, उनको भी आना था लेकिन अचानक से ये सब हादसा हुआ तो उनको जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं है, लेकिन फिर इस फिल्म के प्रमोशन अगर होगा तो जरूर होगा। चलते चलते आखिरी सवाल, दीवानापन से कितनी आशाएं अपेक्षाएं उम्मीद है? देखिए हर आदमी को अपने बेटे से उम्मीद होती है कि मेरा बेटा अफसर बने, हर माँ को उम्मीद होती है, तो हमारे लिए हमारा फिल्म हमारी माँ है तो कहीं ना कहीं, और हमारी दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भोजपुरी फिल्म किस प्रकार से बनाई जाती है। आपको ये तो मालूम है कि भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा चटक बटक या कहें कि मसाला लगाया जाता है, देखें तो एक दूसरे के लव सीन होते हैं, किस होते हैं, कुछ और ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये सीन क्या इतने आसान होते हैं, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि भोजपुरी मूवी जो होती है तो गांव और कस्बों में बनाई जाती है, बॉलीवुड तो देशों विदेशों में बनाई जाती है, लेकिन एक हीरोइन को किस सीन देना, वो भी लोगों के सामने देना, जब लोगों की पब्लिक हो, वहाँ पर हीरोइन का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ पब्लिक है जो वीडियो भी बनाने लगते हैं, हंसते भी हैं, मजाक भी करते हैं, तो क्या वो हीरोइन के लिए वहाँ पर ऐसे सीन देना आसान होता है, जाने की इस रिपोर्ट में जो पूनम ने बताया। भोजपुरी फिल्मों का बजट बॉलीवुड की तुलना में काफी कम होता है, यही वजह है कि इनकी शूटिंग देशी विदेशी टूरिस्ट स्पॉट पर नहीं बल्कि छोटे शहरों या कस्बों में होती है। ये फिल्में ज्यादातर लोकल लेवल पर फिल्माई जाती हैं, जहां अक्सर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इस वजह से कई बार लव मेकिंग सीन शूट करने में एक्ट्रेसेस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर तब जब कास्ट एंड क्रू और अनजान लोगों के सामने किसी सीन के रीटेक बार बार होते हैं, ऐसे में वहां मौजूद भीड़ कमेंट और फब्तियां कसने में भी नहीं चूकते। फिल्म में शूटिंग के दौरान सही शॉट नहीं होने पर एक्टर व एक्ट्रेस को सीन को फिर से शूट करना पड़ता है। छोटे शहरों की भीड़ के सामने लव सीन शूट करने में काफी दिक्कत का काम है, क्योंकि कोई मोबाइल से वीडियो बनाने लगता है तो कोई फोटो लेता है, कई बार किसिंग सीन की शूटिंग खुले में होती है, शूटिंग के दौरान आसपास मौजूद लोग उन्हें आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस पूनम दुबे के मुताबिक पब्लिक प्लेस में ऐसे सीन करने में शर्म आती है, इस दौरान सैकड़ों लोग आपको देख रहे होते हैं, फिर भी फिल्म की डिमांड के हिसाब से लव सीन करना पड़ता है, कई बार तो दर्शक चुपचाप शूटिंग देखते रहते हैं लेकिन कई बार वो शोर भी मचाते हैं और फब्तियां भी कसते हैं, ऐसे में शूटिंग के दौरान पुलिस या फिर यूनिट के लोगों को इंटरफेयर करना ही पड़ता है। एक्टिंग के वक्त स्टोरी की डिमांड पर ऐसे सीन शूट करना मजबूरी होती है, चाहे लोग सपोर्ट करें या नहीं, हमें तो अपना काम करना होता है, लोग भी इस बात को समझते हैं कि फिल्म की शूटिंग हो रही है तो कुछ मजेदार सीन देखने को मिलेंगे, शायद इसलिए इतनी भीड़ जमा हो जाती है। तो दोस्तों आज हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कि किस प्रकार से पवन की जोड़ी बनने वाली है, यानी पवन की शादी 1 साल के अंदर होने वाली है, साथ ही आपने जाना कि खेसारी लाल का गाना कितना हिट हो रहा है,
क्या पवन सिंह को टक्कर दे पाएगा? इसके बाद हम जाना कि खेसारी लाल किसको लॉन्च करने वाले हैं, आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में वो नई हीरोइन, वो नई हसीना कौन होगी जो खेसारी की जोड़ी को एक बरकरार रखेगी। इसके बाद हम आपसे आपको बताएं कि किस प्रकार से हीरोइन कंफर्टेबल नहीं होती किसी भी जगह लव सीन देने या किस सीन देने। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए भोजपुरी गॉसिप्स। और अब इजाजत दीजिए अभिषेक को, मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में, तब तक देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया। नमस्कार।